नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट यूपीटेट एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 जनवरी 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। सीटेट यूपीटेट लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे सीटेट प्री एडमिट कार्ड 2024 के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जो हमारा सीटेट का एग्जाम है 21 तारीख को होगा कि नहीं, अभी भी काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और बड़ी अपडेट्स हैं, उसको भी हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले अगर अभी तक आपने अपना सीटेट का प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आपको सीटेट का प्री एडमिट डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर की जरूरत और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो एप्लीकेशन नंबर यहां से प्राप्त कर सकते हो। एप्लीकेशन नंबर पाने के लिए आपको अपना नेम, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद गेट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हमारा प्री एडमिट कार्ड है वो कैसा दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी रहेगा अप्लाई फॉर पेपर वन या पेपर टू, दोनों के लिए अपने किया तो बॉथ लिख के आएगा, पेपर वन एंड टू। ठीक है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, पिताजी का नाम, जेंडर। ठीक है, देखिए यहाँ पर काफी बच्चे गलती कर जाते हैं, मेल या फीमेल, इसको देख लीजिएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, कैटेगरी, ठीक है, और बाकी जो भी सब चीजें हैं यहाँ पर क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है ना, लैंग्वेज वन में आपने क्या डाला था, हिंदी, और इंग्लिश लैंग्वेज टू, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबका 21 ही होगा। ठीक है, और एक बात और आपको बताना चाहेंगे, 22 तारीख को उत्तर प्रदेश में एक छुट्टी मिलेगी आपकी, सार्वजनिक छुट्टी हो सकती है 22 जनवरी को। 21 तारीख को हमारा सीटेट का पेपर है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। अगर ये पेपर 22 तारीख को पड़ता तो दिक्कत में आता सीटेट का एग्जाम, लेकिन पेपर 21 को है तो पेपर समय से होगा। अब देखिए आपके मन में कुछ और सवाल है उसको भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर न्यूज पेपर के माध्यम से भी अपडेट आई, सीटेट के प्रवेश पत्र जारी, 21 को परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा जनवरी 2024 के परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 21 जनवरी को होगी। बोर्ड ने कहा कि सीटेट के प्रवेश पत्र परीक्षा की शहर की जानकारी के साथ उम्मीदवार, ठीक है, आवेदन लॉगिन से प्रदर्शित किए गए हैं। उम्मीदवार सीटेट वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और उन्हें आवंटित परीक्षा शहर देख सकते हैं। परीक्षा केंद्र के विवरण के साथ प्रवेश पत्र परीक्षा 2 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों होता क्या है ना, पहले आपको एग्जामिनेशन सिटी पता होना जरूरी है, क्योंकि इस बार आपने 4 विकल्प डाला था। ठीक है, मान लेते दोस्तों आपका पहला विकल्प लखनऊ था, दूसरा मेरठ हो गया, तीसरा गाजियाबाद और चौथा दिल्ली अगर आपने डाला था। ठीक है, तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि आपको पेपर कहाँ होगा। ठीक है, अगर आपका सेंटर दूर गया तो आप अभी से उसके लिए टिकट की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए जरा अगली खबर, नियुक्ति पत्र। राज्य के करीब 1 लाख युवाओं की नई पारी आज से होगी। मुख्यमंत्री गांधी मैदान में 16 जिलों के 26,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। तो दोस्तों देख सकते हैं 26,000, मतलब आज का दिन काफी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा दिन होगा। देखिए बात क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों को शनिवार को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्य समारोह गांधी मैदान में होगा। यह 16 जिले के शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शेष शिक्षकों को अपने जिलों में समारोह कर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गांधी मैदान में इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान में 100 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। सोचिए दोस्तों, दूसरे चरण में दोस्तों सफल 94,000 अभ्यर्थियों में से 73,000 शिक्षकों की संबंधित जिलों में काउंसलिंग हो चुकी है। पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल 2,772 शिक्षकों को भी साथ में औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दे सरकार, हाई कोर्ट से एक अपडेट आती है। ये अपडेट दोस्तों प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए यूपी में हालात कितने खराब हैं शिक्षा मित्रों के, आप देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान करें। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। हालांकि कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन की मांग को अस्वीकार कर दिया है। देखिए दोस्तों आपको बता दें, ये शिक्षा मित्र है कौन,
जब उत्तर प्रदेश में जब नई भर्ती की मांग की जाती है तो होता क्या है कि शिक्षा मित्रों को भी एज ए टीचर काउंट कर लेते हैं। तभी दोस्तों क्या होता है ना, जो टीचर और शिक्षक मतलब बच्चों का अनुपात आता है, शिक्षक और स्टूडेंट्स का जो नहीं होता अनुपात निकाला जाता है, उसमें ये इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए वैकेंसी नहीं आ पाती। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात आपने जो सुना होगा। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाना चाहिए, इसलिए याची राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करें, सक्षम प्राधिकारी उनकी मांग पर विचार कर निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम, ठीक है, शमशेरी ने जितेंद्र कुमार व दर्जनों शिक्षा मित्रों की याचिका पर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर यही बात थी कि भाई ये उनको सम्मानजनक मानदेय या उनकी सैलरी दी जाए। ठीक है, पीसीएस 2024 की प्री 17 मार्च, मुख्य परीक्षा 7 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्त एक और ये खबर आप देख सकते हैं। तो जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देख सकते हैं लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं आप लोग के काम का जो भी हो, जिस भी आपने फॉर्म भरा हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब दोस्तों क्या है ना, हमने कल आपको कुछ टैग वर्ड्स दिए थे। ठीक है, देखिए अब जो बच्चे सीटेट की तैयारी, ज्यादा समय नहीं है उनके पास, देखिए 21 को हमारा पेपर होना है। ठीक है, आप इस वीडियो को 13 जनवरी को देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब समय तो बहुत कम बचा है ना। हाँ, 13 से 21, ठीक है, एक हफ्ते का लगभग समय बच रहा है। तो अंतिम 7 दिन में आपको क्या करना चाहिए कि आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाए, समझिए सिंपल सी बात बता रहे हैं। टैग वर्ड्स पर फोकस कर लीजिए। पेपर 150 नंबर का होगा, 75 नंबर आपके पेडागोजी के रहेंगे, हर में से 15, देखिए 15 नंबर आपके सीडीपी में, 15 नंबर आपके ईवीएस में, 15 हिंदी, 15 इंग्लिश, ठीक है, और 15 मैथ। ठीक है, तो जब ये 15 नंबर पेडागोजी के हर जगह मिलने, टोटल हमें 75 मिलने हैं, और आपको बता दें 150 में से पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा हिंदी या इंग्लिश का पेपर होगा या संस्कृत आपने ले रखा होगा, तो वहां पर आपको ठीक है पैराग्राफ से भी संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, एक अच्छा स्कोर आप कर लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, देखिए सीटेट में ये फायदा मिलता है, अभी बहुत से बच्चे यूपी टेट का वेट कर रहे हैं कि सर जल्दी यूपी टेट का नोटिफिकेशन है। यूपी टेट में पेडागोजी नहीं आती, अगर आपने यूपी टेट के संबंधित क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो 100% आप यहाँ पर क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन सीटेट में आपको ये फायदा मिलता है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भैया जो ये पेडागोजी होती है ना, वो आपको बचा ले जाएगी, पेडागोजी आपकी बहुत मदद कर देगी और आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। एक बात और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि समय कम है, समय सीरियसली बहुत कम बचा है। अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तो भाई अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब आज से दोस्तों अगर आप लग जाते हैं 13 तारीख से, तो भाई 21 को आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट dlatresult.com इसको ध्यान दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन